नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन जानकारी में। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष सावन में पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार एक व्यक्ति को भूलकर भी भद्रकाल के समय में नहीं मनाना चाहिए। भद्रकाल के समय में रक्षा सूत्र या राखी नहीं बांधनी चाहिए, हमेशा भद्र का त्याग करके ही रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाना चाहिए। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल मतलब 2023 में पूर्णिमा का तिथि दो दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन पड़ने वाला है इस चीज़ को लेकर के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उलझन भी बनी हुई है। दोस्तों, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा और बहुत से लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 31 अगस्त 2023 को पड़ेगा। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार 30 अगस्त को पड़ रहा है कि 31 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक का रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भद्रकाल का अशुभ समय भी इसी दौरान चलता रहेगा, तो वो कब खत्म होगा और कब शुरू होगा वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान शिव जी को याद करना मत भूलिएगा। भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं, वो किसी भी व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के हर कष्ट को भगवान शिव जी नष्ट कर दें और आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक होता है। इस दिन जितनी भी बहनें होती हैं वो अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं, अपने भाई की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। और जितने भी भाई लोग होते हैं वो अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं और अपनी बहनों को अच्छे अच्छे उपहार भी देते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ मनाही है कि रक्षाबंधन के त्यौहार को कभी भी भद्रकाल के समय में नहीं मनाना चाहिए। वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितनी देर तक भद्रकाल का अशुभ समय चलता रहता है उतनी देर किसी भी बहन को अपने भाई के कलाई में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई गई है। लंकापति रावण ने अपनी बहन शुभनखा से भद्रकाल के समय में ही राखी बंधवाई थी और एक साल के अंदर ही रावण का विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्र जो भगवान शनि देव जी की बहन है, उनको ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति भद्रकाल के समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करेगा तो उस व्यक्ति को सिर्फ नुकसान झेलना पड़ेगा, उस व्यक्ति का कोई भी काम नहीं बन पाएगा और उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा कि भद्रकाल के समय में आप रक्षाबंधन के पावन पर्व को ना बनाएं। कोई भी बहन अपने भाई को इस समय राखी ना बांधे, और वरना उसको ही नहीं उसके कई भाइयों को भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, रक्षाबंधन वाले दिन भाई बहन को सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, जल्दी से नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिए, और अगर हो सके तो रक्षाबंधन वाले दिन आपको अपने घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक भी जला देना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में साफ साफ इस चीज़ की मनाही है कि रक्षाबंधन वाले दिन भाई बहन को गलती से भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि रक्षाबंधन वाले दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो बता दें दोस्तों, पीला, लाल या हरा, इन तीनों में से आप किसी भी रंग का कपड़ा पहनेंगे ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। रक्षाबंधन वाले दिन जितनी भी महिलाएं होती हैं, कन्याएं होती हैं, उनको सबसे पहले यह करना चाहिए कि नहाने धोने के बाद उनको अपने घर के मंदिर पर नतमस्तक होकर के एक घी का दीपक जला देना चाहिए और सारे देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद अपनी थाली सजाना शुरू कर देना चाहिए। थाली में सबसे पहले आपको क्या रखना है इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको अक्षत रखना है, रोली रखना है, आपको कुमकुम रखना है, एक लाल फूल रखना है एवं मिठाई रखनी है। अब आपके घर पर जितने भी लोग हैं उनका जितनी भी संख्या है उतनी संख्या में आपको राखियाँ रखनी है, एक राखी बस अधिक रखिएगा, और आपको रखना है घी का दीपक। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको रखनी है और यही जो थाली आपने सजाई है इसको अपने घर के पूजा घर पर रख देना है। आपने थाली को अपने पूजा घर पर रख दिया, अब आपको क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहनों को अपने भाइयों को बिठाना होगा उस तरफ जहाँ पर उनका मुंह उत्तर या पूर्व की तरफ हो, और बहनों को इस बात का ध्यान रखना होगा जब भी वो अपने भाई को राखी बांध रही हो तो उनका मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए। वेद पुराणों में इस चीज़ के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। अब आपने जो पूजा की थाली सजाई है उसमें से आपको क्या करना है, देखिए आपको पूजा की थाली को लेना है, सबसे पहले उसमें घी का दीपक जला दीजिएगा। घी का दीपक जलाने के बाद सबसे पहले उस पूजा की थाली से एक जो आपने अधिक राखी रखी है उस राखी को उठाइए। आपके पूजा घर पर जहाँ भी भगवान गणेश जी की पूजा आप लोग करते हैं, भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखी है, मूर्ति रखी है,
उस राखी को भगवान गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। देखिए शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर भैया दूज के दिन और रक्षाबंधन वाले दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि होती है, आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है। और भगवान गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। भगवान गणेश जी की कृपा, आशीर्वाद और वरदान किसी भी व्यक्ति को मिल जाए तो वो व्यक्ति जो भी कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप पे और आपके परिवार पर भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे तो अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले एक राखी भगवान गणेश जी के चरणों में जरूर रख दीजिएगा। सिर्फ इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी थाली लेनी है। अपनी थाली लेकर के अपने भाई के पास जाइए। आपको अपने भाई के ऊपर थोड़े से फूल छिड़कने हैं। आपने जो रोली रखी है और अक्षत रखा है, मतलब चावल रखा है, इसको मिला करके इससे अपने भाई का तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के बाद अपने भाई के दाएं हाथ में, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपने भाई के दाएं हाथ में आपको इसी राखी को बांधना है। इस राखी को आपने बांध दिया। अब आपने जो मिठाई अपनी थाली में रखी, इसी मिठाई को अपने भाई को आपको खिला देना है। सिर्फ आपको इतना ही करना है। इतना अगर आपने इस तरीके से कर लिया जैसा वेद पुराणों में लिखा हुआ है तो मान के चलिए प्रथम पूजनीय गणेश जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आपने जो राखी अपने भाई को बांधी है इसका शुभ फल आपके भाइयों को मिलेगा। आपके भाई का भाग्य आपका साथ देगा, उनकी किस्मत उनका साथ देगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अभी तक हमने आपको बताया कि राखी कैसे बांधी जाती है और राखी को लेकर के वो कौन सी जानकारियां थी जो आपका जानना बहुत जरूरी था। अब आपको हम बताएंगे रक्षाबंधन का पावन दिन किस दिन पड़ रहा है, भद्रकाल का अशुभ समय कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। इसलिए आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, साल 2023 में दो दिन पूर्णिमा पड़ रही है, यानी कि 30 अगस्त और 31 अगस्त। 30 अगस्त की सुबह 10:23 से पूर्णिमा की शुरुआत हो जाएगी। 31 अगस्त 2023 को 7:23 पर पूर्णिमा का समापन होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें 30 अगस्त 2023 को भद्रकाल का समय सुबह 10:14 पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन 30 अगस्त की रात्रि 9:01 पर होगा। अब आपको बता दें हिंदू पंचांग के अनुसार अगर आप अपने भाई को राखी बांधना चाहती हैं तो आपके लिए सबसे शुभ समय रहेगा 30 अगस्त की रात्रि 9:01 से लेकर के 9:25 तक का। यह सबसे शुभ समय होगा। और अगर इस दौरान आप अपने भाई को राखी बांधती हैं तो मान के चलिए कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को मिलेगा। आपके भाई की किस्मत भी उसका साथ देगी, उसका भाग्य भी उसका साथ देगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो रात्रि के वक्त रक्षाबंधन मनाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत से लोगों के घर में रात में कभी भी राखियां नहीं बांधी जाती हैं, उनके अपने खुद के कारण हो सकते हैं। तो आप लोगों के लिए 31 अगस्त के लिए हम बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए 31 अगस्त की सुबह आप लोगों को 5:48 से लेकर के 7:23 के बीच में राखी बांधनी होगी। अगर 31 अगस्त को शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:48 से लेकर के 7:23 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप लोग राखी बांध सकते हैं। हाँ, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, बिना नहाए धोए पूजा की थाली को मत छूइएगा। जिस प्रकार से हमने आपको उपाय बताए हैं उसी प्रकार से उपाय करते हुए अगर आप राखी बांधते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।